this video is sponsored by a one football application that is my go-to place if i have to find any kind of information about the club that i follow even you'll get the information about the indian football as well what is going on with the team under Egos team match if you want to stay updated with all the latest transfer rumors that are going around you can hit the one football application and the best thing is that application is free you can scan this qr code right over here or you can go down into my description download one football application from over there if you want to stay in touch with everything that is Related to football. So, India has qualified for the AFC Asian Cup. Yes.

अब आगे क्या स्टीमैश ने आईपीएल के रूटीन एंड फुट इंडियन फुटबॉल के कैलेंडर के बारे में भी काफी बातें की हैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी उसने काफ़ी सारी बातें की हैं इगो स्टीमैश ने एआईएफएफ को तक हिट किया है मेरे भाई सो so, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सो so, अगर आप यहां पर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो डू रिमेंबर टू ड्रॉप अ सब्सक्राइब लाइक एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम आस सो बिगिन करते हैं सबसे पहले वॉट डिड आई फील अबाउट इंडियन फुटबॉल वॉचिंग द गेम फ्रॉम दी भाई सबसे पहले तो भारत ने इस ए एफ सी क्वालिफिकेशन में इन थ्री गेम्स आर वी प्लेड अगेंस्ट कंबोडिया अफगानिस्तान एंड हांगकॉन्ग पैशन दिखाया है यूनिटी दिखाई है ऑफकोर्स वी वर बैक्ड बाय फिफ्टी थाउजेंड इन सेन पीपल इन दराम खोर भयंकर क्राउड था मेरे भाई नेक्स्ट लेवल का एम्बियस था आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट थैंक्स टू द क्राउड इन कोलकाता कि वो अपनी भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए इतनी भारी तादाद में आए थे सो यू कैन नो इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट मिला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या होगा अगर आप अवेगेन खेलोगे वॉट देन विल यू शो अ ड्रॉप इन मेंटेलिटी क्या आपका पैशन कम हो जाएगा क्या आपकी यूनिटी या प्लेइंग स्टाइल खराब हो जाएगी वी डोंट नो बट ये जो तीन मैचेस में इंडिया ने जो फुटबॉल खेला है मेरे भाई दट एट वॉज इमाकुलेट आपको याद होगा रिमेंबर काफी लोग कहते थे यार कि वी आर अगेंस्ट ईगोर्स मैच स्टी मैच आउट यस yes, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया ने ओमान के अगेंस्ट फ्रेंडली खेला नेपाल के अगेंस्ट फ्रेंडली खेला जॉर्डन के अगेंस्ट फ्रेंडली खेला एंड वी वर इन प्लेंग गुड फुटबॉल आपको याद होगा टूर्नामेंट जब चल रहा था वहां पर आई सेड वन थिंग की ईगोर्स टी मैच इज ट्राइंग टू ब्रेंग अ फुटबॉल कल्चर इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग द प्लेंग स्टाइल हमने अपना प्लेंग स्टाइल को काफी इंप्रूव किया पैटर्न ऑफ प्ले

एक दिन में इंप्रूव नहीं होता है एंड स्टीमैच ने कहा दिस इज वॉट वी कैन अचीव जब हमारी टीम सात हफ्ते एक साथ खेल रही है तो मतलब स्टीमैच को जो जो कैंप मिला उसने सात वीक की ट्रेनिंग में ही मेड एस प्ले इन दिस लेवल तो इमेजिन अगर हमें और अच्छा टाइम मिले तो और भारत क्या कर सकती है सबसे पहले वेर वी गो फ्रॉम हेयर ठीक है फ्रेंडलीज कौन से लाइंड अप है वी स्टिल डोंट नो कि भारत किसके अगेंस्ट फ्रेंडलीज खेलने वाली है बट मेरे हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि हम अच्छी रैंक टीम के अगेंस्ट फ्रेंडली खेलें जैसे हम बहरेन के अगेंस्ट लेबनान के अगेंस्ट कॉन्गो या उजबेकिस्तान के अगेंस्ट फ्रेंडली खेलें बिकॉज इससे ये वैल्यूड फ्रेंडलीज होते हैं अफगानिस्तान नेपाल इनके अगेंस्ट तो हम यहाँ खेले बट दे हमें थोड़ी बेहतर टीम के अगेंस्ट फ्रेंडलीज खेलें जिससे हमारे प्लेयर्स को एक्सपोजर मिले सो दट इज द फर्स्ट थिंग बट चलिए अब चलते हैं यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या बोला सबसे पहले ही सेट ड्रास्टिक चेंजेस आर रिक्वायर्ड फॉर मी टू स्टे

तो ये तो भाई हार्श फैक्ट है मेरे भाई एंड थ्रू दिस क्वेश्चन कि वेर आर वी गोइंग फ्रॉम हेयर ऑन वी होगा अपने फुटबॉल को अब कुछ लोग हार्श लगे होंगे बहुत कट्टर स्टी मैच के हेटर हैं ठीक है उनका बस चले तो हराम हर दिन मैनेजर चेंज करा लें लोग तो इनको पेशेंस नहीं रखना है, था, थोड़ा सा कमेंट्स हार्श है यस कमेंट्स थोड़े से बकवास भी है एक दो कमेंट्स, ठीक है बट रियलिटी

वरी थी टर्न आउट पॉजिटिवली तो ईगोर्स टीम एस ने बोला की आई हैव ह्यूज प्लान फॉर इंडियन नेशनल टीम वो साफ साफ कहे कि मैं यहाँ पे भारत पे हूं आई कुनीर एल्स अगर यह बात पैसों की होती मैं क्योंकि यहां पर काफी अंडरपेड हूं मेरी मार्केट वैल्यू से बहुत ज्यादा अंडरपेड यहां पर वर्क कर रहा हूं इस हिसाब से जो परफॉर्मेंस भारत ने दिया ए एफ सी एशियन क्वालिफायर्स में इगोस टीम के अकॉर्डिंग द बॉयज प्लेड वेल यस डेफिनेटली मेरे भाई बॉयज प्लेड रियली वेल दे प्रेस्ड व्हेन दे वर नीडेड टू प्रेस दे वो पेशेंट जब उनको पेशेंट होना था दे वर प्रेसिंग दे वर अटैकिंग काउंटर अटैक मतलब जो जो गेम का सिचुएशन रिक्वायर्ड था उस हिसाब से अपनी टीम ने परफॉर्मेंस उस, दी ऑन द पिच क्योंकि टीम टीम में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैच में देर आर मोमेंट जहाँ पे आपने आप, आपको स्विच करना पड़ता है आदर यू हैव टू गो आउट अटैक और देन यू हैव टू शो अ पेशेंस एंड यहाँ पे टीम ने मेच्योरिटी दिखाई एंड स्टीमास ने बोला ये चीज़ हमने सिर्फ सात हफ्तों में अचीव किया एंड दैट इज अग थिंग स्टीमास ने एक और बात बोली उसने कहा कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है टू नो कि प्लेयर्स क्लब पे क्या कर रहे हैं इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो कोचेज हैं क्लब के वो उन प्लेयर्स को अपने क्लब पे खिलाएं एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वो जो कोचेज हैं इंडिविजुअली प्लेयर्स के uh, जो वर्कआउट रिजाइम्स हैं वो भी

एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग पे गौर श्रीमा ने बोली कि आई लीग हैज़ टू बी ऑल इंडिया अफेयर मतलब आई लीग को भी आप इनकॉर्पोरेट करो आईएसएल में कुछ ना कुछ आप उन एक रूल लाओ जिसके हिसाब से आप उनको जोड़ पाओ एक रेलीगेशन और एक प्रमोशन सिस्टम रखो जिससे कि हमें और प्लेयर्स मिल के मिले और प्लेस सामने आए जिससे कि अपनी स्कोर डेप्थ को काफी इंप्रूव करें इसी के ऊपर आशिक कुरुनिया ने बोला कि यार क्योंकि अब ये सीजन से स्टार्ट जो होगा उसमें हम सुपर कप खेलेंगे दुरंत कप खेलेंगे आईएसएल चलेगा तो यहाँ टोटल मिला के मोर देन थर्टी मैचेस एक पर्टिकुलर प्लेयर डेफिनेटली खेलेगा ईगोस टी चाहते हैं कि लीग दस महीना चले एंड ये जो लीग हो ये इंडिपेंडेंट हो ऑफ दी आई मतलब वो ब्रॉडकास्टर्स को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि इंडियन फुटबॉल का ब्रॉडकास्ट सही से हो भाई तुमको खुद पता है यार कि काफी लोग परेशान होते हैं कि इंडियन फुटबॉल का मैच कहाँ देखे भाई स्टार स्पोर्ट्स थ्री पे आता है वो भी हरामखोर खोर चैनल पर आता है उनके पास तीन चार एच चैनल्स हैं पिछले वाला मैच जो मैं देखने गया था स्टेडियम में मेरी मम्मी ढूंढती रह गई भाई किस चैनल पे मैच आ रहा है? मिला ही नहीं क्योंकि अच्छा टेलीकास्ट ही नहीं है और अगर आईपीएल बीच में आ जाए मेरे भाई अब वही बात है ना कि आईपीएल जो वो चलता है ना तीन चार महीना वो बड़ा लंबे स्पैन के लिए चलता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप आई चला रहे हो तो व्यूअरशिप वो सब सीन है यार बट देन द पीपल जिनको देखना है वो खुद देखेंगे यार अगर आपका सीजन लॉन्ग चल रहा है ना दस महीने आपका सीजन अगर चलता है तो उससे मान के चलो कि प्लेयर्स सारे टूर्नामेंट्स में आकर पचास गेम्स खेल रहे होंगे और यार फिफ्टी गेम्स आर इंपॉर्टेंट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू प्ले एट दैट लेवल क्योंकि तीन चार महीना खेल के आप अपनी फिटनेस खो खोदोगे कितना तुम्हें घर में एक्सरसाइज करोगे यार सो दिस इज ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एक मैच ने बोले हैं जो कि हार्श ट्रू है लास्टली स्टीमा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला अबाउट दी आई ओ प्लेयर्स ठीक है अब उन्होंने क्या बोला लेटमी कोट ऑल अदर कंट्रीज आर यूजिंग प्लेयर्स ऑफ ओरिजिन इंडिया इज द ओनली कंट्री नॉट यूजिंग फॉरिन बेस्ड प्लेयर्स इट इज देंडीकैप फॉर द कंट्री सोब हाउ कैन यू इनकॉपोरेट दी पी आई ओ प्लेयर्स सबसे पहले मैं भाई बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस लेट मी टेल यू की गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है दो हज़ार आठ के बाद ये एक मीटिंग हुई थी हाईकोर्ट में उन्होंने बैन कर दिया कि पी आई ओ प्लेयर्स विल नॉट बी अलाउड टू प्ले फॉर इंडियन फुटबॉल बट लेट से अगर गवर्नमेंट अपना यह रूल ओवरटर्न करे बिकॉज टीम एस ने ओपनली आके बोला है कि इट वुड हेल्प अस एंड काफ़ी सारे प्लेयर आप भी जानते हो दैट वो वोकल इन द स्टेट कि वो भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हो बट क्या रूल्स हैं फीफा के किस हिसाब से एक फॉरन ओरिजिन का प्लेयर जिसके रूट लाइ करते हैं भारत में कैसे ही कैन कम एंड प्ले एट इंडिया लेट मी शो यू फीफा के आर्टिकल फाइव के हिसाब से जो कि टू थाउजेंड सेवन में रिराइड किया गया था अगर कोई प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सीनियर लेवल पे मैचेस नहीं खेला है सो so, उसको अगर अपनी नेशनैलिटी चेंज करनी है सो दिस इज हाउ ही कैन डू इट सबसे पहले या तो ही शुड बी बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ हिस रिलिवेंट एसोसिएशन दूसरा पॉइंट ही शुड हैव अ बायोलॉजिकल मदर और फादर इन द टेरिटरी ऑफ रेलिवेंट एसोसिएशन तीसरा या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब उसके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर शुड हैव बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ रेलिवेंट एसोसिएशन तो मतलब ये तीन चार जो इनमें से कोई एक चीजें अगर हो या तो वो बंदा उस उस कंट्री में बॉर्न हो तब वो खेलेगा तो उसके पापा मम्मी का रिलेशन हो या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन हो तो कोई एक ओरिजिन होना चाहिए ठीक है तभी आप चेंज कर सकते हो अपनी नेशनैलिटी बट 2020 में सितंबर में एक रूल आया जिसकी वजह से थोड़े से चेंजेस आए अब वो रूल क्या है वो रूल ये है कि कोई एक प्लेयर है अगर उसने इंटरनेशनल लेवल पे मोर देन थ्री मैचेस खेल लिए हैं कॉम्पिटेटिव लेवल पे मतलब एक्सक्लूडिंग द फ्रेंडलीज ठीक है और सिंपल फुटबॉल चैरिटी मैचेस एंड ऑल सो अगर वो बंदा 21 इयर्स की एज से पहले तीन सीनियर लेवल के मैच खेल सक, खेल चुका है स्टिल ही वुड बी वैलिस्ट स्टिल ही कैन चेंज हिस नेशनलिटी मतलब तीन से कम मैचेस तीन मैचेस आपको सीनियर लेवल पे खेलने हैं अंडर द एज ऑफ ट्वेंटी वन

दिस इज अ ट्वेंटी थ्री ओल्ड ईयर ओल्ड गाय जो कि स्वानसी सीढ़ी के लिए खेलते हैं इन दी एफ एल ये बंदा लेवपुल की ट्रेनिंग uh, लेवपुल का ट्रेनिंग रहा है इंग्लैंड को अंडर 21 पे रिप्रेजेंट किया है बट इंग्लैंड के सीनियर लेवल पे नहीं खेला है ही एंड ही हैज गॉट इंडियन ओरिजिन क्योंकि इसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो पंजाब से थे सो दिस गाय यान धंदा कैन प्ले फॉर इंडिया अब मैं बहुत सिंपल टर्म में तुमको समझाता हूँ लेट्स से कि मेरा मेरा बेटा होता है ठीक <laughs> है एंड ही वॉन्ट टू प्ले फॉर अर्जेंटीना कहता है पप्पा पप्पा मुझे खेलना है अर्जेंटीना के लिए तो अब वो <laughs> देखो अगर हमारे कोई रूट्स हैं अर्जेंटीना में देन ही वुड बी वैलिड वो खेल सकता है अर्जेंटीना के लिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं वो अपनी अलायंस शिफ्ट कर सकता है गिवन कि वो भारत की सीनियर टीम को रिप्रेजेंट ना किया हो लेट से कि ही एंड देन ही कि यार मुझे अर्जेंटीना के लिए खेलना है सो वॉट आई विल हैव टू डू इज कि मुझे अर्जेंटीना ले जाना होगा उसको पांच साल अर्जेंटीना मुझे रुकना होगा मुझे सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी अर्जेंटीना की देन ओनली आई विल बी अलाउड टू मेक माई किड प्ले फॉर अर्जेंटीना बिकॉज मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है लेट से कि हमारे ग्रेट हमारे ग्रैंड थे वो वो अर्जेंटीना के से थे तो एक फैमिली लिंक है तो स्टिल ही ही वुड बी एबल टू प्ले फॉर अर्जेंटीना अगर सिलेक्शन होता है नॉट तो भाई ये एक सिंपल सा मेथड है कि पीआईओ के प्लेयर्स स्टिल कैन प्ले बट भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ ही नहीं करती है तो ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं स्टीमैच हैज सेड हार्श ट्रूथ ऑब्वियसली वी हैव टू अप वी हैव टू सपोर्ट इंडियन फुटबॉल मेरे भाई अब यहाँ से ए एफ सी एशियन कप में क्वालिफाई करने के बाद जो कि नेक्स्ट ईयर जून में होने वाला है सोलह जून से स्टार्ट होएगा कहाँ होगा चाइना ने बैकआउट कर लिया है हो सकता है पॉसिबली कि कतर में ये हो जाए सो वील हैव टू सी आपको क्या लगता है इन सब इन सब इगो के कॉमेंट्स के ऊपर लेके लेट बी नो एवरीथिंग वॉट आर दी चेंजेस दट मज बी रिक्वायर्ड फॉर इंडियन फुटबॉल टू डेवलप ये भी मुझे जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करेंगे यूट्यूब का आलो एकदम ब्रेक करेंगे कॉमेंट करेंगे जो भी आपके मन में आता है आल सी यू इज वेरी सुडेंटिल देन एज ऑलवेज जय हिंद एंड पीस आउट